मिडिल ईस्ट में बीते साल अक्टूबर 2023 के बाद से जंग का ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। इसराइल हमास युद्ध हो या फिर इसराइल ईरान हमले या फिर इसराइल और लेबनान का संघर्ष, बीते कई महीनों से मिडिल ईस्ट कई बड़े हमलों और युद्धों का गवाह रहा है जो आज भी जारी है। इनमें यमन के हूतियों का इसराइल ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों से सीधे टकराव ने तनाव को और बढ़ाकर रख दिया है। दावा है कि सबसे ज्यादा चोट अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को यमन के हूतियों ने ही दी है। हूतियों ने लाल सागर में हमलों के कई सालों बाद अमेरिका के सामने समुद्र में एक विशाल चुनौती पेश की है। हूतियों ने साल 2023 के आखिर में लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले बाब अल मंडेब में ताबड़तोड़ हमले किए थे। इनके आगे अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों की बेबसी साफ तौर पर देखने को मिली। इससे विश्व जगत में इस बात पर चर्चा तेज होने लगी कि क्या सुपर पावर अमेरिका कमजोर हो गया है, क्या पश्चिमी देशों का अगुआ अमेरिका हार रहा है, क्या अमेरिका यमन के उग्रवादी समूह हूतियों से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के साथ हूतियों को जवाब दिया। इसमें यमन के भीतर हवाई हमले भी शामिल हैं। अमेरिका के हमलों का नतीजा बेअसर और बहुत औसत दर्जे का रहा। हूतियों ने स्वेज नहर से होने वाली आवाजाही को लगभग आधे से भी कम कर दिया है। इसमें मिस्र को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। हूतियों ने अकाबा की खाड़ी में इजरायली बंदरगाह इलेट को करीब करीब दिवालिया कर दिया है। इसने हालिया में एक तेल टैंकर को नुकसान पहुंचाया। इसमें विनाशकारी पर्यावरणीय परिणामों के साथ तेल के रिसाव का खतरा पैदा हुआ। एक जल मार्ग जिसकी वैश्विक बाजार में 10 से 15% की हिस्सेदारी थी, वो अब एक किलिंग जोन बन गया है। हूतियों की खौफनाक कार्रवाई ने अमेरिका की कमजोरी को आईना दिखाने का काम किया। खास बात है कि हूती लड़ाकों का अस्तित्व ज्यादा पुराना नहीं है, ना ही इनमें पारंपरिक सैन्य शक्ति है। वे यमन पर भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रखते हैं। बावजूद इसके हूतियों ने महत्वपूर्ण समुद्रों तक अपनी पहुंच को बरकरार रखने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो अमेरिका पर भारी पड़ते दिखे। लाल सागर में देखा जा सकता है कि कैसे मामूली हूती अपनी विनाशकारी पहुंच बढ़ाने के लिए सस्ती तकनीक से तहलका मचाए हुए हैं। अहम ये भी है कि हूतियों का चीन और रूस के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। यही वजह है कि हूतियों ने चीन के शिपिंग को बिना किसी नुकसान के गुजरने की अनुमति भी दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती प्रॉक्सी गुटों की ताकत में सबसे ज्यादा अहम रोल ईरान का है, जिसने अमेरिका के विरोधियों की धुरी बनकर बहुत तालमेल बैठाने का काम किया। ईरान और हिजबुल्ला के सहयोग ने हूतियों को बेहद खतरनाक बना दिया है। अमेरिका ने बड़े संघर्ष के डर से हूतियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की भी काफी कंजूसी की है। हूतियों ने शिपिंग नेटवर्क पर हमले करके अमेरिका और उसके सहयोगियों को जता दिया कि वह कितना ताकतवर है। ईरान समर्थित इस समूह ने अपनी सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा किया है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब इसराइल हमास के बीच युद्ध विराम पर लगातार जोर दे रहे हैं। यह इसलिए भी अहम है कि गाजा युद्ध रोकने से हूतियों के हमले भी थमने की आशंका है। ऐसे में इसराइल पर अब उसके कट्टर मित्र अमेरिका भी दबाव बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिका को लेकर दुनिया भर में ऐसी धारणा बनती जा रही है कि थकी हुई महाशक्ति अब विरोधियों का सामना करने में बेअसर साबित हो रही है। अमेरिका की सियासत में भी मौजूदा युद्ध को लेकर तीखी बहसबाजी होती रहती है। जो बाइडेन साल के आखिर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले मिडिल ईस्ट युद्ध को रोकने का क्रेडिट लेने के मूड में है। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो मौजूदा इसराइल हमास युद्ध को इतना लंबा नहीं खींचने देते। ट्रंप अमेरिका की साख को गिराने वाले बाइडेन को अब तक सबसे खराब राष्ट्रपति तक का करार दे चुके हैं।